नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज आपके सामने अलजेब्रा का फिफ्थ टाइप कह सकते हैं, ठीक है, टाइप ट्रिक जो भी कह सकते हैं, आज फिफ्थ पार्ट है। आपने देखा चार पार्ट में कैसे अलजेब्रा के प्रश्न को विद इन सेकेंड कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से क्या है कि अलजेब्रा में आपको वैल्यू पुट करनी होती है या किसी तरह के फॉर्मेट पहचाननी होती है, इस तरह से हम अलजेब्रा के प्रश्नों को विद इन सेकेंड कर सकते हैं, अगर ये सब चीज़ें हमें पता हो तो, ठीक है। तो कौन सब चीज़ें, चार पार्ट मैंने बताया, फिफ्थ पार्ट में आज देखते हैं किस तरह का फॉर्मेट रहेगा, तो आसानी से हम किसी भी अलजेब्रा को प्रश्न को इस तरह के फॉर्मेट को हम टैकल कर सकते हैं विद इन सेकेंड में, ठीक है। तो टाइप फिफ्थ में बात कर रहा हूँ स्क्वायर, मतलब जितने वेरिएबल दिए होंगे, ठीक है, उसके स्क्वायर अगर दिए हैं इक्वल टू जीरो लास्ट में दिया है, तो हम उसको इस तरह से टैकल कर सकते हैं। आपको पता होगा कि एक इक्वेशन में, ठीक है, एक इक्वेशन में अगर एक वेरिएबल है तब तो हम मान निकाल सकते हैं, एक इक्वेशन दो वेरिएबल है तब वहाँ पर हम चीज़ों को पुट करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे एक इक्वेशन है, वेरिएबल तीन है, तो हम यहाँ पे बिना पुट करके भी मान निकाल सकते हैं, इसका एक डेफिनेट मान होता है, ठीक है, इसका एक डेफिनेट मान होता है। आपको पता है कि जब पहले मैं बताया था उसमें क्या है कि जब हम हमारे पास एक इक्वेशन आता था, दो वेरिएबल, तीन वेरिएबल, चार वेरिएबल आता था, तो हम मान एग्जैक्ट नहीं निकाल पाते थे, क्योंकि हमें एक वेरिएबल से एक ही मान निकल सकता है, ठीक है, तो हम क्या करते थे, वहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम वैल्यू पुट नहीं करेंगे, क्योंकि इस तरह के फॉर्मेट में एग्जैक्ट मान आता है। कैसे देखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू जीरो हो गया, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ये कब जीरो होगा, ये टर्म कब जीरो होगा, जब इंडिविजुअली ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंडिविजुअली जीरो होगा, क्योंकि ये कभी निगेटिव टर्म दे नहीं सकता, ये कभी निगेटिव टर्म दे नहीं सकता, मतलब ये हमेशा जीरो या पॉजिटिव टर्म देंगे, पॉजिटिव होगा या जीरो होगा, तो पॉजिटिव होगा तो जीरो से तो ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि सभी को इंडिविजुअली जीरो होना होगा, ठीक है। तो इस तरह के पहले एसएससी में प्रश्न डायरेक्ट इस पे पूछ दिए जाते थे, अब क्या मॉडिफाइड फॉर्म क्या दिया है कि आपको डायरेक्ट ये नहीं दिया जाएगा, उसमें एक टर्म जोड़ दिया जाएगा, माइनस जोड़ दिया जाएगा, प्लस जोड़ दिया जाएगा, इस तरीके से टर्म जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस तो जोड़ा जा नहीं जा सकता, क्योंकि अगर प्लस जोड़ दिया जाएगा तो ये टर्म समथिंग कुछ जीरो हो, ये टर्म अगर एक्स प्लस ए कर दिया गया और ए का कोई मान है तो ये तो कभी जीरो होंगे नहीं, इसीलिए माइनस हर टर्म में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए एक्स माइनस ए प्लस वाई माइनस बी जेड माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो ये जीरो कब बनेगा, जब x माइनस ए जीरो होगा इंडिविजुअल, ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल ए लिख सकते हैं, कैपिटल बी लिख सकते हैं, कैपिटल सी, यानी कि इसका स्क्वायर दिया है, ठीक है, इसको जीरो होना है, तो यानी कि ये टर्म जीरो होगा, यानी कि ये स्क्वायर जीरो होगा, तो यानी कि x माइनस ए जीरो होगा, यानी कि x इक्वल टू वन ये होगा, y इक्वल टू बी होगा, z इक्वल टू सी होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इंडिविजुअली इसको जीरो कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इस पर प्रश्न कैसे कैसे आए, पहला प्रश्न है x प्लस वाई माइनस जेड माइनस टू का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y प्लस जेड माइनस एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस जेड प्लस एक्स माइनस वाई माइनस फाइव का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो यानी कि ये टर्म और ये टर्म कह रहा है क्या कि जीरो होगा, जब ये टर्म जीरो होगा तो यानी कि हम क्या लिख सकते हैं इसको, एक्स प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू टू, क्योंकि जीरो होगा तो जीरो होगा, तो माइनस टू को हम उधर ले गए तो टू होगा, ठीक है। अब ये क्या दूसरा टर्म क्या है, वाई प्लस जेड माइनस एक्स इक्वल टू थ्री, दूसरा टर्म, तीसरा क्या है, जेड प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल टू फाइव, ठीक है। अब क्या है कि हमको एक्स प्लस वाई प्लस जेड चाहिए, तो हम इन तीनों को ऐड कर देंगे, तो इन तीनों को ऐड कर देंगे तो एक जेड से एक जेड कैंसिल हो जाएगा, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, यानी कि बचा क्या, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू पाँच तीन आठ दो दस, ठीक है। तो आपको सिर्फ फॉर्मेट पहचानना है, फॉर्मेट देखिए लास्ट में जीरो है, ठीक है, तो आपको सिर्फ ये जीरो करना है, ये जीरो करना है, ये जीरो करना है, ठीक है, तो उससे आप आंसर ले आएंगे, ठीक है। ये पहला प्रश्न था, सेकेंड प्रश्न पे आते हैं, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस सेवन का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एट का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ठीक है। यहाँ पे भी आप देखेंगे
ए टर्म को हम जीरो करेंगे तभी ये जीरो होगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी अगर आ गया, 0.1 आ गया, 0.001 आ गया, तो ये कभी जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यानी कि ये पूरे टर्म को हमको जीरो करना है, ये पूरे टर्म को जीरो करना है, और तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 1 हो जाएगा, यहाँ से y इक्वल टू 7 हो जाएगा और z इक्वल टू 8 हो जाएगा। और पूछ क्या रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। ये क्वेश्चन SSC में आ गया है, ठीक है। तो हम क्या देंगे, क्या इक्वल टू करेंगे x प्लस ये x प्लस वाई प्लस जेड का रूट पूछा गया है, ठीक है। x प्लस वाई प्लस जेड का रूट पूछा गया था, ठीक है। तो हम देखिए वही ट्रिक है, क्योंकि इसी में लोग फंसते हैं, किस तरीके से देखिए फंसाएंगे आपको अभी। x प्लस वाई प्लस जेड का रूट करेंगे तो यानी कि ये कितना हो जाएगा, 16। अब क्या है कि x प्लस वाई प्लस जेड का रूट सपोज आप कह सकते हैं p है, ठीक है। तो इतना का मान पूछा गया, तो इतना का मान आप क्या करेंगे, प्लस माइनस 4 करेंगे, यही करेंगे। 16 अंडर रूट 16 का मान क्या करेंगे, प्लस माइनस 4। लेकिन ये गलत है, कैसे गलत है, आप देखिए ना कि यहाँ पे p का मान है पूछ रहा है, यहाँ पे ये नहीं दिया हुआ था पी स्क्वायर इक्वल टू 16, तो पी इक्वल टू प्लस माइनस 4, ये होता है बेसिक, ठीक है। अगर पी स्क्वायर 16 दिया है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर 16 हो है तभी पी का मान प्लस माइनस 4 होगा। अगर पी का मान पी अगर दिया है अंडर रूट 16, तो इसका मान हमेशा पॉजिटिव होगा, कैसे, ये लीनियर है, ठीक है, ये लीनियर है और ये क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक प्लस माइनस देता है, और लीनियर कभी प्लस माइनस दो टर्म नहीं देगा, ठीक है। लीनियर कभी दो वैल्यू नहीं दे सकता है, और ये क्वाड्रेटिक हमेशा दो वैल्यू देता है। तो अगर ये यहाँ पे क्या है, लीनियर है, पी का मान हमको पूछ रहा है, तो पी का मान कितना दिया है, अंडर रूट 16, अंडर रूट 16 को हम प्लस माइनस 4 इसलिए नहीं लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे पी स्क्वायर नहीं दिया है। अगर पी स्क्वायर का मान 16 रहता तब प्लस माइनस लिखते हैं, ऐसे ही यहाँ पे पी स्क्वायर अगर 16 रहेगा तो प्लस माइनस 4 लिखेंगे, और पी का मान 16 रहेगा तो हम सिर्फ प्लस लिख सकते हैं। आप सपोज एक और प्रश्न आप देखिए, SSC में पूछा गया था क्या कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इक्वल टू व्हाट, ऑप्शन दिया था प्लस माइनस 1, सेकेंड में प्लस 1, थर्ड में माइनस 1 और फोर्थ में 0, ठीक है, 0। अब आप देखिए कि क्वेश्चन, ये तो सबका मान पता है, इसको पता मान सबको पता है, इसका मान सबको पता है कि 1 आता है। आप देखिए कि इसका मान जब 1 आता है तो आप इसमें से कौन आंसर टिक करेंगे, प्लस 1 करेंगे, प्लस माइनस 1 करेंगे, माइनस 1 करेंगे। तो ये SSC बेसिकली आपका बेसिक चेक कर रहा था कि इसमें बच्चे क्या करेंगे कि यहाँ पे अंडर रूट देखें तो प्लस माइनस 1 कर देंगे, लेकिन ये प्लस माइनस 1 गलत है, यहाँ पे प्लस 1 होगा, ठीक है। कैसे, क्योंकि ये लीनियर है, सपोज ये p है तो p का मान अंडर रूट में पहले से दिया है, ठीक है, p का मान अंडर रूट में पहले से दिया है तो हम पॉजिटिव ही लेंगे, ठीक है, पॉजिटिव ही देंगे, क्योंकि ये लीनियर है और लीनियर कभी दो वैल्यू दे नहीं सकता है, लीनियर हमेशा एक ही वैल्यू देता है। आप ऐसे भी कीजिए ना, x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5 माइनस 5 आ जाएगा, तो ये लीनियर है तो ये प्लस 5 तो आ नहीं सकता, यानी कि लीनियर रहेगा तो हम एक ही मान रखेंगे। तो ये लीनियर टर्म है, p क्या है, लीनियर है, यानी कि एक ही इस पर पावर है, तो लीनियर टर्म में एक ही वैल्यू देगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस 1 आएगा, ठीक है। तो आप इसको ख्याल रखेंगे कि कैसे आप क्वाड्रेटिक इसको मान नहीं सकते, ठीक है, इसको क्वाड्रेटिक मान के डबल वैल्यू नहीं ला सकते, प्लस माइनस 1 नहीं ला सकते, ये SSC में पूछा गया है, ठीक है। ये कन्फ्यूजिंग है, लेकिन आपको ये ध्यान रखनी है कि अगर पहले से ये दिया है, एक्चुअली प्लस माइनस 1 कैसे आता है, प्लस माइनस 1 आता है अगर पी स्क्वायर इक्वल टू 16 है, तो ये पी स्क्वायर प्लस माइनस देता है, ठीक है, ये जो स्क्वायर वाला टर्म है, ठीक है, इसके कारण प्लस माइनस आता है। तो हम इसको इधर ले गए, तो इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, ठीक है, इस स्क्वायर की वजह से ये प्लस माइनस आया। अब लिखेंगे 16, ठीक है, अब लिखेंगे 16, जहाँ पे स्क्वायर है उसी के कारण ये प्लस माइनस है, ये दो दिखा यानी कि दो टर्म देगा, ठीक है, प्लस और माइनस देगा। और पहले से अगर पी दिया है और तब 16 दिया है, तब यहाँ पे एक ही
पावर है तो यहाँ पे सिर्फ प्लस होगा। ठीक है, आपने देखा कि स्क्वायर और लीनियर में क्या अंतर है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे कि प्लस माइनस में कन्फ्यूज ना होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न लेकर तीसरे प्रश्न में देखिए, ये आपको डायरेक्ट उस फॉर्म में नहीं दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू जीरो इस तरह के फॉर्म में नहीं दिया है, तो हमको क्या करना है उसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखिए यहाँ पे जीरो दिख रहा है, यहाँ पे टू वेरिएबल है यानी और एक ही इक्वेशन है, तो ठीक है हम इसको क्या करेंगे कि इसको उसी फॉर्म में चेंज कर देंगे। कैसे, अब देखिए ए स्क्वायर है, ठीक है यहाँ पे टू ए बी होता है, ठीक है ए स्क्वायर प्लस टू इसको लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस टू इंटू ए लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये क्या दिया यानी कि फोर अगर हम करेंगे यानी कि टू का स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा ए प्लस टू का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये टर्म और प्लस फोर यानी कि अब बचा क्या इसमें बी स्क्वायर बचा प्लस टू बी बचा प्लस वन, इसमें से फोर इधर आ गया था, ठीक है तो इसमें वन बचा यानी कि ये टर्म क्या बन गया ए प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस बी प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब देखिए ये टर्म आ गया उसी फॉर्म में जिस फॉर्म में हम बात कर रहे थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो उस फॉर्म में आ गया, तो यानी कि अब इसको हम जीरो पुट करेंगे, इसको भी जीरो पुट करेंगे यानी कि ए इक्वल टू माइनस टू बी इक्वल टू माइनस वन। ठीक है, तो यानी ए और बी क्या हो गया माइनस थ्री। ठीक है आंसर, तो इस तरीके से हम अगर फॉर्म नहीं दिया है तो हम फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये तो था बेसिक मेथड, अब हमको एग्जाम में ये मेथड नहीं अपनानी है, ये मेथड है बच्चों वाली क्योंकि इसमें हम तकरीबन आप कह सकते हैं 20 से 25 सेकंड तो ले ही सकते हैं। ठीक है, अगर 20 से 25 अगर हमको 5 सेकंड में कोई क्वेश्चन बन रहा है तो 20 से 25 तो काफ़ी समय हो जाता है। ठीक है, 20 से 25 काफ़ी समय लग जाएगा हमारे एग्ज़ाम में, तो हमको इसको 5 सेकंड में कैसे करना है देखिए अब कैसे करेंगे। इस तरह के जो फॉर्म दिए रहेंगे मतलब कि इसमें कन्वर्ट ना करके हम क्या करेंगे इसको हम इसको पहले रब कर दें सॉरी इसी को पहले अगर इस तरह के फॉर्म दिए रहेंगे तो हमको पहले क्या करना है जो स्क्वायर वाला टर्म है उसको एक साइड ले आएंगे यानी कि स्क्वायर वाला टर्म क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और बाकी वाले टर्म को हम जीरो के बाद ले जाएंगे यानी कि इसको लिखेंगे क्या माइनस फोर ए माइनस टू बी माइनस फाइव। ठीक है, ये टर्म हो गया ए स्क्वायर, जो भी टर्म स्क्वायर का होगा उसको लेफ्ट साइड में और जो फालतू के रहेंगे फालतू मतलब कि जो स्क्वायर में नहीं है ठीक है उसको इधर ले जाएंगे। ठीक है, अब क्या है कि इसको हम पहले इसमें कॉमन ले लेंगे जो वेरिएबल है उसमें कॉमन ले लेंगे, तो इसमें कॉमन क्या होगा टू होगा। ठीक है, और ये जो कॉमन लेंगे बाहर कभी निगेटिव नहीं लेंगे। ठीक है, आपको याद रखनी है बाहर हमेशा पॉजिटिव रखेंगे। ठीक है, तो ये बाहर टू पॉजिटिव है यानी कि अंदर क्या हो गया माइनस टू टू ए। ठीक है, और प्लस ये माइनस होगा माइनस बी माइनस फाइव। ठीक है, इस फॉर्म में आ गया, हमेशा देखिएगा जो यहाँ पे रहेगा इसका कोफिशियंट हमेशा पॉजिटिव रहेगा, जो कॉमन लेंगे उसका कोफिशियंट हमेशा पॉजिटिव रहेगा, टू का कोफिशियंट हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो ये जो फॉर्म आया है ठीक है अब यही हमारा आंसर दे देगा। कैसे, यहाँ जिस जितना कोफिशियंट होगा ए का कोफिशियंट क्या है माइनस टू, तो यानी कि ए बराबर होगा माइनस टू। ठीक है, बी का कोफिशियंट क्या है माइनस वन यानी कि बी माइनस वन। ठीक है, तो ए और बी क्या हो जाएगा ए प्लस बी क्या हो जाएगा माइनस थ्री, इससे भी हमारा आंसर माइनस थ्री आया, इससे भी हमारा आंसर माइनस थ्री आया। तो आपको इस तरह का फॉर्म रहेगा तो इस तरीके से पहले सेपरेट करेंगे और सेपरेट करेंगे इसमें कॉमन लेंगे। ठीक है, कॉमन लेंगे और ये हमेशा याद रखेंगे यहाँ पे पॉजिटिव कॉमन रहेगा। ठीक है, अंदर वाला इसके जो कोफिशियंट होंगे वही उसका मान दे देगा। ठीक है, तो आप देखिए ये विद इन 5 सेकेंड मुश्किल लगे होंगे आपको आसान से ये क्वेश्चन सॉल्व कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको फाइंड आउट करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है देखिए वो पहले ही इस टर्म में दिया है। ठीक है, जिस टर्म की मैं बात कर रहा हूँ, अब आप इसको स्क्वायर बनाएंगे
मतलब परफेक्ट स्क्वायर की मैं बात कर रहा हूँ, ए प्लस सपोज ए माइनस टू का कोई स्क्वायर बनेगा ए, और फिर बी माइनस सेवन का स्क्वायर बनेगा, मैं एग्जैक्ट नहीं लिख रहा हूँ, मतलब समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, सी माइनस सेवन का होल स्क्वायर प्लस सेवन का होल स्क्वायर बनेगा इक्वल टू जीरो, इस टर्म में बनाएंगे, ठीक है। इसको इस टर्म में लिखेंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा, तो हमको तुरंत कैसे सॉल्व करना है, देखिए तुरंत कैसे सॉल्व होता है, ये भी उसी ट्रिक से आपको सॉल्व करनी होती है। कैसे, अब देखिए ये पूरा वाला जो स्क्वायर है, इसी स्क्वायर की मैं बात कर रहा हूँ, जो स्क्वायर वाला टर्म होगा उसको लेफ्ट साइड में, और जो फालतू के टर्म होगा उसको राइट साइड में करेगा, ठीक है। अब क्या है कि पूछ क्या रहा है, ए माइनस टू बी माइनस सी, ठीक है। पहले तो हम निकाल लेते हैं इसके इंडिविजुअल मान, तो ये आप देखिए पहले से कोफिशियंट ये दिया हुआ है, तो अब इसमें करना ही कुछ नहीं है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, बस आपको ए दिया है वन, ए का कोफिशियंट वन है, बी का कोफिशियंट माइनस टू है, सी का कोफिशियंट वन है, ठीक है। तो ए बी सी का मान ये है, तो यानी कि आप इसको डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं, ए की वैल्यू क्या हो गया वन, यानी कि वन माइनस प्लस फोर, और टू से टू प्लस फोर प्लस वन, यानी कि सिक्स, आंसर सिक्स, ठीक है। इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर करेंगे तो क्या है, ए का स्क्वायर क्या है वन प्लस फोर प्लस वन, यानी कि सिक्स, ठीक है। अब देखिए आप इससे तो आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। और ये जो टर्म होता है, ठीक है, जो ये वाला टर्म होता है, ये वाला टर्म जो आप कॉफी इसका कॉमन लेने के बाद जो ये टर्म बनता है, ये डायरेक्ट ये होता है, ठीक है, ये डायरेक्ट ये होता है, यानी कि a माइनस टू बी माइनस प्लस सी करेंगे तो डायरेक्ट ये जो कांस्टेंट इधर का रहेगा वो दे देगा, ठीक है। अब देखिए इसका वैल्यू सिक्स आ रहा है तो सिक्स ये है, ठीक है, और इसका वैल्यू भी यही होता है, यानी कि इसका वैल्यू भी यही होता है, ठीक है। इस कांस्टेंट का मान इसके स्क्वायर का जो सम होता है वो होता है, ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। हालांकि अगर ध्यान नहीं भी रखेंगे तो आप इससे निकाल लेंगे, एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे तो आसानी से निकाल लेंगे, हालांकि फिर ये आपको दो सेकंड और ले सकता है अगर ये चीज़ नहीं पता कि इसका मान ये होता है और इसका मान भी एक कांस्टेंट होता है, ठीक है। अगर ये नहीं पता है तो आप इंडिविजुअल का मान पहले निकाल लेंगे, उसके बाद उसको हम इस तरीके से ऑपरेट करके निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है जिसको आप विद इन सेकेंड कर सकते हैं। अगला प्रश्न पे आते हैं, देखिए अगर आप इस तरह के फॉर्म अगर नहीं बनाना जानते हैं तो इस तरीके से ट्रिक से आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगला देखते हैं, ए स्क्वायर पाँचवा होगा, ठीक है, पाँचवा क्वेश्चन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू टू ए माइनस टू बी प्लस थ्री सी माइनस फोर्टीन, ठीक है, फोर्टीन है। तो पूछ क्या रहा है, ए प्लस सॉरी ए बी सी का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, कंडीशन दे रहा है इतना का वैल्यू इतना है तो ए बी सी का मान क्या होगा। तो बस आपको एक ट्रिक पता है, आपको बस कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, पहले आप इसको पेन बिना पेन उठाए आप कर सकते हैं। कैसे, ए का कोफिशियंट वन है, बी का कोफिशियंट माइनस टू है, सी का कोफिशियंट थ्री है, यानी कि तीन दूनी छः छः यानी कि माइनस सिक्स, यानी कि माइनस सिक्स हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि अगर ये पूछ दिया हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पूछ दिया जाता है, तो अब देखिए चौदह आएगा कि नहीं आएगा, देखिए दो दूनी चार, या ए का क्या है वन है प्लस बी का माइनस टू यानी कि चार प्लस नौ यानी कि चौदह, देखिए आ गया, इससे भी आ गया, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू चौदह आ जाएगा कि नहीं। देखिए मैंने बताया पिछले एग्जांपल में बताया था कि इतना का मान ये होता है, ठीक है, अगर इस तरीके से परफेक्ट स्क्वायर बन जाते हैं, सभी का अपना अपना परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है इक्वल टू जीरो, तो उस कंडीशन में ये जो स्क्वायर का जो ऐड होता है वो डायरेक्ट ये होता है, या इसका ऐड इसका इस पूरे टर्म का वैल्यू ये होता है, ठीक है, टू हटा के मैं इस टर्म की बात कर रहा हूँ, इतने टर्म की। तो आप इससे भी निकाल सकते हैं अगर आपको विश्वास नहीं हो रही है तो, ठीक है, तो इस तरीके से आप निकालेंगे। इस तरह के जो प्रश्न है इसमें क्या करेंगे, पहले जो ये स्क्वायर वाला टर्म है उसको एक साइड कर देंगे और ये जो वाला है टर्म उसको राइट साइड में कर देंगे, तो क्या देखेंगे क्या, फाइव एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर एक्स बाई माइनस टू एक्स प्लस सॉरी माइनस वन, ठीक है, माइनस वन। अब एक साइड हो गया ये स्क्वायर वाला टर्म और ये वाला टर्म इधर हो गया, अब इसको क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, कॉमन क्या लेंगे,
पॉजिटिव कोफिशियंट लेंगे और कांस्टेंट ही लेंगे, वेरिएबल कभी हम कॉमन नहीं लेंगे, ठीक है। इसमें याद रखना है ये आपको कि कांस्टेंट लेंगे और पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, प्लस टू हम इसको कॉमन लेंगे, ठीक है। प्लस टू अगर कॉमन लिए तो क्या हो जाएगा, ये टू एक्स और टू एक्स वाई और ये माइनस, ये माइनस का टू एक्स वाई और ये माइनस का एक्स, ठीक है, माइनस वन, ठीक है। अब ये इस तरीके से कन्वर्ट हो गया, अब ये इस तरीके से कन्वर्ट हो गया, तो यानी कि अब इसके कोफिशियंट देखेंगे, अब इसके कोफिशियंट देखेंगे तो ये y का कोफिशियंट 2x है और x का कोफिशियंट 1 है, ठीक है। x का कोफिशियंट 1 है और y का कोफिशियंट यानी कि x इक्वल टू माइनस वन हो गया, x इक्वल टू माइनस वन हो गया और y इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस टू एक्स, और टू एक्स की x की वैल्यू क्या है, माइनस वन, यानी कि देखेंगे तो ये क्या देगा, माइनस टू इंटू माइनस वन इक्वल टू टू दे देगा, ठीक है। तो x की वैल्यू माइनस वन, वाई की वैल्यू टू, तो हमको पूछ किया था टू एक्स प्लस थ्री वाई, यानी कि टू इंटू माइनस वन प्लस थ्री इंटू टू, यानी कि क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस टू प्लस सिक्स इक्वल टू फोर, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो आपने देखा कि किस तरीके से प्रश्न को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। आपको इस तरह के जो डबल वेरिएबल होंगे उसके कोफिशियंट में आपको ध्यान रखना है कि पहले तो यहाँ पे सबको पॉजिटिव लेंगे और कभी भी वेरिएबल को हम, आप कह सकते हैं इसको हम बाहर नहीं कर सकते, यानी कि कॉमन नहीं ले सकते, वेरिएबल को नहीं कॉमन कर सकते हैं और माइनस को भी कॉमन नहीं ले सकते हैं, सिर्फ एक कांस्टेंट टर्म ही हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, और वो भी पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। तो इसको आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो ठीक है, अलजेब्रा के कुछ नए टॉपिक के साथ फिर अगले सीरीज में मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।